Welcome back to the channel Quick Prep Classes. My name is Shahrukh Saifi. Students, यहां से आज हम अपना फर्स्ट इंटरव्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और पहले इंटरव्यू सेशन में मैं एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने क्लास 12th में अपनी स्टडी को लेकर काफी ज्यादा कंसिस्ट रही है, चाहे फिर वो टर्म वन का एग्जाम हो या फिर टर्म टू का एग्जाम हो। दोनों ही मोड में उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल क्या किया है और फाइनली जो आज रिजल्ट आया है उनको अपनी मेहनत का फल भी उन्हें मिला है। मतलब उन्होंने एक नहीं बल्कि डबल सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा स्कोर ऑब्टेन किया है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नाजिया के बारे में। नाजिया, वेलकम टू दी चैनल, और काफी बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे आपका ये इंटरव्यू सेशन देखकर, जिसमें आप अपने खुद अपने स्टडी जो भी आपने प्रिपरेशन करी हो उसके बारे में इम्पोर्टेंट चीजों को शेयर करेंगे, ताकि जो सेशन 2022 एंड 23 वाले बच्चे हैं उनको काफी हेल्प मिल सके। नाजिया, तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंटरव्यू के साथ आपके स्टार्ट करते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा सभी स्टूडेंट्स को, देन हम अपने कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें आस्क करते हैं। नाजिया, मेरा नाम नाजिया है। मैं जीनत महल रस्तेली जाफराबाद स्कूल से अपनी 12th क्लियर करी है और मैंने अपने दो सब्जेक्ट में 90+ स्कोर किया है, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो काफी लेंथी सब्जेक्ट माने जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस वैसे भी काफी बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप दूसरा सब्जेक्ट देखोगे सोशियोलॉजी, जो बच्चों को ऐसा लगता है कि 10th क्लास तक जो SST पढ़ी है वो सोशियोलॉजी बिल्कुल इक्वल है, बट थोड़ा बहुत जब बच्चा इसे पढ़ता है तो उसे रियलाइज होता है ना ये थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप की है। तो सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना वाकई में काफी ज्यादा अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। नाजिया, मैं आपसे ये आस्क करना चाहता हूँ कि फाइनली क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास आपका रिजल्ट भी है, अब कोई आपके पास टेंशन नहीं है कि हाँ इस दिन रिजल्ट आएगा, ये होगा वो होगा। अब ये मान लीजिएगा कि फाइनली आपकी जो क्लास 12th है वो ओवर हो चुकी है, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हो? सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो मैंने सोचा था मुझे उतने ही मार्क्स मिले हैं, और मुझे पहले से कॉन्फिडेंट था कि मेरे किसी एक सब्जेक्ट में तो 90+ आएंगे ही, और इवन दो सब्जेक्ट में 90+ आ चुके हैं, तो दो मुझे सब्जेक्ट बहुत में आगे अच्छा फील बहुत हो रहा अच्छे है। मार्क, बिल्कुल दैट्स ग्रेट। नाजी, आपने जो प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक करी, मतलब वो किस लेवल की रही, और सबसे मेन चीज जो आपने चैलेंजेस फेस करे वो क्या क्या रहे और उन्हें आपने कैसे टैकल किया, आप जरूर इन्हें शेयर कीजिएगा अपने इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ, ताकि जितने अभी सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी किस तरीके से स्टार्ट करें कि एंड ऑफ द टाइम जो उनका रिजल्ट है बिल्कुल आप जैसा हो, हर एक सब्जेक्ट में वो 90+ से स्कोर लेके आए। प्लीज सर, मैंने अपनी स्टडी बिल्कुल लास्ट टाइम पर नहीं करी कि जैसे अपडेट शीट आई और मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। मैंने हमेशा से शुरू से ही स्टडी की थी। जब मैं 10th 12th क्लास में आ गई थी, मैंने जब से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी, मैं शुरू में थोड़ा कम पढ़ती थी, जैसे 1 घंटा या 2 घंटा, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए मैंने अपनी टाइम टेबल अपना बढ़ा दिया, और अगर मैं लास्ट से अगर अपना तैयारी शुरू करती तो शायद मेरे 90+ नहीं आते। अगर आपको ओके कुछ अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको शुरू से ही पढ़ना होगा यस बिल्कुल। अपने तो बच्चों नोट। एक चीज नोटिस कीजिएगा, हालांकि देखिए आज के समय यूट्यूब है आपके पास, इतने सारी जो बुक्स होती है प्राइवेट पब्लिशर की और इवन गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को सपोर्ट मटेरियल भी दिया जाता है, यूट्यूब पे इतनी लॉट्स ऑफ वीडियो है, मतलब पहली चीज है कि सोर्सेज जो है बच्चे के पास उसकी कोई कमी नहीं है, तो कमी किस चीज की है, फोकस की। अब बच्चे को लगता है कि सारी चीजें ले ले तो अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से फोकस होके चलोगे वो आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। जिस तरीके से नाजिया ने पहले क्या बताया, पहले वो बेशक कम टाइम दे रही थी लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि एग्जाम काफी क्लोज आ रहा है तो उन्होंने अपनी पेस को थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इससे इनको ये बेनिफिट मिला कि जो स्टार्टिंग में जो इन्होंने स्टडी करी थी इनसे उनका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए, और वो क्लियर होने से इन्हें काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आया जो कि आगे चल के इनको बड़ी जो चीजें करनी थी वो आराम से वो टैकल कर सके। नाजिया, आपकी जो प्रिपरेशन रही
उसमें अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते थे या नहीं, सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के माइंड में रहता है कि सर क्या ये हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट होते भी है नहीं होते, या फिर हम खाली के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपके लिए अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए या फिर नहीं बनाए? यस सर, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। मुझे एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत हार्ड लगती थी, इसलिए पहले मैं आपकी वीडियोस देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी उठाती थी। कभी मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं उठाई है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं अपने खुद नोट्स बनाती थी शॉर्ट्स में, और फिर वो लास्ट तक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है लास्ट तक। देखो, हैंड रिटन नोट्स बच्चों, अगर आप स्टार्टिंग से लेके चलोगे, हालांकि लगता है बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर आप देखोगे स्पेशली ह्यूमैनिटीज के अंदर, क्योंकि आपका सारा पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट होता है, लिखना ज्यादा होता है, अगर आप अपने सेशन को स्टार्टिंग से लिखकर स्टार्ट करोगे तो एंड ऑफ द टाइम आप देखोगे कि आपने जितना भी लिखा वो आपके लिए एक ओवरव्यू का काम करेगा। और जब चीजें ओवरव्यू में आप करते हो, बड़ी जल्दी से आपको क्या होता है, लर्न होती रहती है, लेकिन उसके लिए स्टार्ट आपको जीरो से ही करना जरूरी पड़ेगा। सो नाजिया, अगर आप पॉलिटिकल साइंस जैसे सर सब्जेक्ट की बात करें, जिसमें आपने आई थिंक 93 स्कोर ऑब्टेन किया है, एम आई राइट? यस। सो ये 93 जो राइट, स्कोर रहा आपका, तो पॉलिटिकल साइंस की जो स्ट्रेटेजी थी आपने किस तरीके से फॉलो किया? क्योंकि आपका टर्म वन और टर्म टू बिल्कुल अलग था, एक साइड आपका माइंड एमसीक्यू मोड में चला, दूसरा आपका रिटर्न, तो आपने कैसे मैनेज करके चला अपने टर्म वन को और अपने टर्म टू के एग्जाम को? सर मैं पॉलिटिकल साइंस का, जैसे मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा था कि 2 दिन में या 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और सिर्फ ये नहीं था कि कंप्लीट करना है उसको, मुझे अपने माइंड में फिट भी करना है कि मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक के बाद एक स्टोरी है, मतलब डेट बिल्कुल के हिसाब से। तो मैंने सबको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन की, मैंने इजी चैप्टर्स पहले लिए और हार्ड चैप्टर्स लास्ट में लिए, और सबको एक तो दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ा। यहाँ पर आप नाजिया की एक चीज नोट कर सकते हो कि वो पहले इजी जो चैप्टर है उन्हें पहले कर रही है, बाद में हार्ड। समटाइम क्या होता है कि बच्चा, जैसे मान लीजिएगा आप अपना कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट के, पहला ही लेसन काफी हार्ड लग गया, तो ऐसा होता क्या है कि बच्चे का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है, अरे फिर इंटरेस्ट नहीं आ पाता। कोई बात नहीं, आपके लिए पूरा 1 ईयर आपको मिलेगा इस सेशन के अंदर। अगर आपको फर्स्ट लेसन हार्ड लग रहा है, उसकी लैंग्वेज आपको अगर नहीं समझ आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप कोई अदर लेसन देख सकते हैं जिसमें आपकी जो ग्रिप है वो काफी अच्छी बन रही है और आपको वो चीजें लर्न भी हो रही है। इससे क्या होगा, अगर आप इजी टू हार्ड जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जो आपको हार्ड लेसन लग रहा है वो भी अपने टाइम पे बिल्कुल एक नॉर्मल सा होके रह जाएगा। तो आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करना जरूरी होगा। देखिए, एनसीईआरटी काफी ज्यादा रोल प्ले करती है, आपका सारा पेपर नो डाउट कि अगर वहीं से ही बनता है, बिल्कुल सारा पेपर आपका वहीं से बनता है, क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों को होते हैं कि क्वेश्चन सर डायरेक्ट नहीं मिलते, तो क्वेश्चन के लिए बच्चा हेल्प बुक, यूट्यूब की वीडियो या फिर सपोर्ट मेटेरियल, इन चीजों को ज्यादा फॉलो करता है। तो नाजिया, आपने इन चीजों को कैसे टैकल किया? अगर आपके लिए एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो क्या आपने कोई अदर चीजों को भी फॉलो किया अपनी स्टडी को और बेटर करने के लिए? यस सर, मैं सबसे पहले डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं उठाती थी, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ होती थी, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती थी। पहले मैं यूट्यूब से वीडियोस देखती थी, आपकी वीडियोस से लेसन को इजी लैंग्वेज में समझती थी, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ती थी, जिससे समझने में थोड़ी ईजी होती थी। फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं उसके लास्ट के क्वेश्चन देखती थी, किस टाइप से दे रखे हैं, किस टाइप से आ सकते हैं सीबीएसई में। तो नाजी, आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्जाम टाइम में, स्पेशली अभी अभी आपके हाल ही फिलहाल में टर्म टू के एग्जाम हुए जो कि रिटर्न मोड में एग्जाम थे, और सेशन 2022 एंड 23 वाले स्टूडेंट्स के भी जो एग्जाम होंगे, आपके पास टर्म वन टर्म टू नहीं हो रहे, बिल्कुल क्लासिकल पैटर्न पे हो रहे हैं, यानी ओल्ड पैटर्न पे हो रहे हैं, जिसमें उन्हें सिंगल पेपर अटेम्प्ट करना है लेकिन पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन आपने तो टर्म टू का एग्जाम दिया, उसमें जो आपने अपना पैटर्न को फॉलो किया, मतलब आपका आंसर लिखने का तरीका कैसा रहता था, आप आंसर शीट को किस तरीके से फुलफिल करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज जो होता है, और क्या आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर लाइक लिखा होता है कि जो वर्ड्स लिमिट है उनको आप लाइटली लेते हो या फिर ज्यादा सीरियस लेते हो कि हाँ मेरे को इतने में ही लिखना है ताकि मैं अपना आंसर एक्यूरेट तरीके से इतने वर्ड्स के अंदर
कर सकूं, क्योंकि बच्चे इन चीजों को काफी लाइटली लेते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपने इन चीजों को कैसे फॉलो किया? तो सबसे पहले वर्ड्स लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई एक नंबर का क्वेश्चन है और आप उसमें 100-150 वर्ड लिख कर आ रहे हैं तो ये फुल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि मिलना आपको एक नंबर ही है उस पर, तो आप वर्ड हाँ, लिमिट कुछ के थोड़ा अकॉर्डिंग चलिए। बच्चा एक्स्ट्रा सेटिस्फाई होना चाहता है, इसलिए वो छोटे वाले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा लिखाते हैं। और समटाइम क्या यस होता है, जब बड़े क्वेश्चन की बात आते हैं तो उसे वो सिंगल सिंगल पॉइंट्स में लिखाता है, क्योंकि उसे बताया गया कि पॉइंट्स में तो जी लिखना है, सर, बट वो पॉइंट्स को थोड़ा एक्यूरेट और थोड़ा वर्ड्स के अकॉर्डिंग जरूरी एक्सप्लेन हो नहीं जाता करता। है ना। जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्चा 4 लाइनें लिखाया तो ऐसे नंबर तो मिलेंगे नहीं। वो जो वर्ड्स बच्चा लिख रहा है 80 to 100 के बीच मिलेंगे। में होना भी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। ओके सो आपने कांग्रेचुलेशन, सर जैसे आपने अच्छा स्कोर ऑप्टेन किया अपने फाइनल 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में। सो मेरा अब अगला क्वेश्चन है, जो कि आपके 12th क्लास से रिलेटेड नहीं है। हर एक बच्चे का एक एम होता है, एक गोल होता है कि भैया वो आफ्टर 12th करने के बाद इस फील्ड में जाना चाहता है। बहुत सारे जने एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, बहुत सारे जने बिजनेस लाइन में जाते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, कोई डिस्टेंस मोड से करता है। तो आफ्टर 12th बच्चे आपने क्या सोचा है, या अभी आपका कोई क्लियर नहीं है? आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके चीजें शेयर कर सकते हैं। सर, मैं अब ग्रेजुएशन करूंगी अपनी, उसके बाद मैं एमए करना चाहती हूँ, फिर मैं ज्यादा बिजनेस को सपोर्ट करती हूँ, तो मैं राइट, बिजनेस करना चाहती हूँ। और ये इंस्पिरेशन मुझे अपने पापा से मिली है, वो एक बिजनेसमैन है, मैं उनके बराबर नहीं पर उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। तो बच्चों एक चीज नोट करनी है कि देखिए, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अपने आफ्टर 12th बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि वो जॉब लेना चाहते हैं, एक बेटर जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। लेकिन जैसे नाजिया बता रही है, वो बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब वो जॉब लेना नहीं, जॉब देना चाहती है, क्योंकि बिजनेस आप जानते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, सो वैसे भी आज का जो हमारा दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का है, तो ऐसी सिचुएशन में नाजिया जो भी फील्ड में जाना चाहे तो बेस्ट विशेष उनके साथ हमेशा रहेगी। सो लास्ट क्वेश्चन नाजिया आपसे ये है कि थैंक यू सर। नाजिया, आप जो इन प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं सेशन 2022 एंड 23 वाले, इनका पैटर्न अब चेंज हो चुका है। अगर आप इनको अपने टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंग बताओगे तो मे भी हो सकता है वो प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन आपने जैसा कि अपना जी रिटर्न सर, मोड का एग्जाम दिया था, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, जो जो आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था प्रिपरेशन करते टाइम, तो आप कैसे इन बच्चों को, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है स्टार्टिंग से अगर इन चीजों को फॉलो करे जैसा कि आपने किया और आप 90+ भी लेके आए, तो आप वो क्या वैल्यूबल पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे ताकि ये सभी स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर होके उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सके? सर सबसे पहले तो आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि वो टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उसको रीड कर रहे हो और मतलब हो गया सिलेबस कंप्लीट। आप जो टॉपिक बताना चाह रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट समझो। फिर जब आप पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करे थे। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे 6 मार्क्स का है तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा ऊपर 2-3 लाइनों में। फिर उसके बाद मैंने 6 जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने 7 पॉइंट्स लिखे थे। पॉइंट्स को हेडिंग बनाई थी अलग से, फिर उसको एक्सप्लेन करा था 3 लाइनों में, और लास्ट में मैंने निष्कर्ष भी लिखा था। इससे जो है बिल्कुल वो अट्रैक्टिव लगता है, क्वेश्चन चेकर्स को इजी होता है कंक्लूजन, चेक करने में। हालांकि बिल्कुल कंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट होता है, लिखो या ना लिखो, बट लिख दोगे तो अच्छा रहता है। सो नाजिया, आपने अपना एग्जाम टाइम जो आपका रहा उसके अंदर जो टाइम टेबल आपने बनाया होगा, ऑब्वियसली हर एक बच्चा बनाता है, तो आपका जो टाइम टेबल रहा एग्जाम टाइम का, वो किस टाइप का रहा, ताकि बच्चों को ये आइडिया मिल सके कि अच्छा जो टॉपर बच्चे होते हैं वो इस टाइप का टाइम टेबल बनाते हैं, तब जाके उनके इतने अच्छे मार्क्स आ पाते हैं। तो आपका टाइम टेबल किस टाइप का रहा होगा? तो जैसे जो ब्रेडशीट आई थी उससे पहले के जो डेज थे मैंने टाइम टेबल ऐसा बनाया था कि एक हार्ड सब्जेक्ट लेती थी मैं 2 आवर्स के लिए, और जो मुझे इजी सब्जेक्ट लगता था मैं साथ में वो लेती थी उसका 2 आवर्स, दोनों को 2 आवर्स देती थी मैं। और जैसे पेपर हुआ, एग्जाम स्टार्ट हुए, जो बीच में डिस्टेंस होता है एग्जाम के, मैंने उसमें जो दूसरा एग्जाम होने वाला है उसके बारे में रिविजन करती थी। जो कॉन्सेप्ट मुझसे थोड़ा सा हार्ड लगता था मैं उसको पढ़ती रहती थी,
और जैसे मुझे डेट याद करने में, मोस्टली बच्चों को डेट याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने वॉल पर चिपका देती थी, जिससे जब भी मैं उसको देखूँ तो मुझे याद हो जाए। बिल्कुल ये इसी बिल्कुल ट्रिक अच्छा। तो लगती है डेट याद करने। अगर हम ओवरऑल चीज बात करें तो यहाँ पे वो ही एक रोल प्ले करता है कि बच्चा जब लिखता है चीजों को थ्योरेटिकल जैसे सब्जेक्ट के अंदर, तो वो उसके एंड ऑफ द टाइम काम आने ही आने। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ बच्चों, आप खुद ट्राई करो प्रैक्टिकली। अगर आप होते, बस बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हम जो पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग एक चीज आप इसे इंप्लीमेंट करके देखो कि आप मॉर्निंग में या इवनिंग में कोई भी टाइम किसी भी चीज के बारे में अच्छे से पढ़ो कि आपको वो चीज समझ आ गई। उससे जज करने के लिए आपको, लाइक अगर आप मॉर्निंग में पढ़े हो तो उसे इवनिंग में आके विदाउट अपनी बुक ओपन किए, बिना उसके बारे में पढ़े, उसे एक बार लिखना शुरू करो। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपकी मेमोरी है, आप उस कॉन्सेप्ट को कितने टाइम तक अपने माइंड में फिट कर सकते हो। इससे आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि अच्छा सुबह का पढ़ा मैं शाम तक कितना याद रख पाता हूँ, मैंने बुक भी ओपन नहीं की मैं इतना लिख पाता हूँ। तो इससे आप जैसे जैसे एनालाइज करना सीखते रहोगे सीखते रहोगे, डेफिनेटली इन चीजों में आपको ग्रो भी देखने को मिलता रहेगा। तो मेक श्योर बच्चों आपको ये चीजें जरूर करनी है। तो बच्चों ये नाजिया का इंटरव्यू था, और नाजिया स्टार्टिंग से ही काफी कंसिस्टेंट रही है अपनी स्टडी को लेकर, तो इसलिए मैंने पहला इंटरव्यू नाजिया के साथ ही किया, और मैं उन्हें यही बेस्ट विशेष दूंगा कि जो भी अपने करियर में वो गोल अचीव करे वो एक टॉप लेवल का ही हो, क्योंकि जो हार्डवर्किंग स्टूडेंट होते हैं वो किसी चीज से घबराते नहीं है। सो नाजिया आपको भी जी अपना सर, ही जो भी आपका एम है बिजनेस में आपको वो अचीव करना है, और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ ऑल टाइम रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच इस इंटरव्यू सेशन में आने के लिए और बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। होप सो कि बच्चों आप इनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो जरूर करेंगे, और अगर आप अपना कोई भी चीज शेयर करना चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं नाजिया को तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक न्यू कैंडिडेट्स के साथ। तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।